हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम राकेश कुमार एंड टुडे माय टॉपिक इज डिटरमिनेंट। हम डिटरमिनेंट में 3 लेक्चर दे चुके हैं। लेक्चर 1 में डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है 2x2 ऑर्डर के और 3x3 ऑर्डर के, और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। लेक्चर 2 में प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन डिटरमिनेंट पर आधारित प्रश्न जो प्रूव करने वाला था वो सब बता दिए थे। और लेक्चर 3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड से जो सॉल्व किया जाता है, एवं कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स मतलब 3 पॉइंट कब कोलिनियर कहलाता है, ये सब के बारे में बता चुके थे। आज लेक्चर 4 के अंतर्गत हम लोगों को सीखना है माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। चलिए अब हम यहाँ माइनर एंड कोफैक्टर किसी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है वो हम आप लोगों को, डिटरमिनेंट का किस तरह से माइनर और कोफैक्टर निकलता है तो देखिए हम बताते हैं ऐसे। जैसे अगर कोई डिटरमिनेंट है 2, 4, 5, 6, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। एक डिटरमिनेंट लिए हैं 2x2 ऑर्डर के, जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 5, 6, है ना। और इसका क्या निकालना है हमें, माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर को निकालने का तरीका हम बता रहे हैं, उसमें माइनर और कोफैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ देखिए, पहले निकाल देते हैं 4 माइनर, और माइनर को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो इसका पोजिशन हुआ 1, 1, क्या लिख देंगे M11, मतलब किस एलिमेंट का माइनर निकाल रहा है, पहला एलिमेंट। तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उसके रो और कॉलम को बंद करते हैं, जो एलिमेंट दिखता है वही लिखते हैं। देखिए इधर से रो और इधर से कॉलम बंद किए थे, क्या दिखाई दिया, 6, यहाँ 6 लिख दिए। फिर इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हुआ 1, 1, A11, इसका नाम होता है A12, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, M12। तो M12, तो इस एलिमेंट का 4 का हमको माइनर चाहिए। 4 का माइनर निकालने के लिए इसके रो और कॉलम को बंद करेंगे, तो देखिए इधर से रो बंद कर दी, इधर से कॉलम बंद कर दीजिए, क्या दिखाई दिया, 5, तो 5 लिख देंगे। उसी तरह से इस एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है, तो माइनर तो इसको कहते हैं A11, इसको कहते हैं A12, इसको कहते हैं A21। तो A21 चूंकि माइनर निकालना है तो M लगाकर लिखेंगे, तो M21 मतलब माइनर ऑफ 5। तो 5 का माइनर निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम को बंद कर देंगे, तो ऐसे कॉलम और ऐसे बंद हो गया, तो क्या दिखाई दिया, 4, तो 4 लिख दें। इसी तरह से इसका हमको माइनर निकालना है तो यहाँ लिख देंगे M22। जब इसका माइनर निकालेंगे तो माइनर निकालते हैं तो रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो ये कॉलम और ये रो बंद हो गया इसका M22 का, तो क्या दिखाई दिया, 2, तो वही 2 लिख दिया, ये माइनर हो गया। और साथ ही साथ इसी सामने इसका देखिए कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। कोफैक्टर ध्यान से देखिएगा, कोफैक्टर को ए से और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफैक्टर को क्या चीज़ से, ए और सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे A11। तो इसका भी उसी तरह से कोफैक्टर निकलेगा, ऐसे बंद करेंगे और ऐसे बंद करेंगे, क्या दिखाई दिया, 6। और फिर इसका कोफैक्टर निकालेंगे A12 का, तो A12 लिख दीजिए, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ऐसे बंद और ऐसे बंद, कितना दिखाई दिया, 5। और इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो A21 और A21 ऐसे बंद, क्या दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया। और इसका कोफैक्टर निकालेंगे 6 का, मतलब इसका एलिमेंट का नाम होगा A22, तो ऐसे बंद और ऐसे बंद, क्या दिखाई दिया, 2, तो 2। लेकिन नोट में याद रखिएगा, नोट याद रखना है, अगर इसका पोजीशन को जोड़ने पर पोजीशन के एलिमेंट है उसको जोड़ने पर अगर सम संख्या आएगा, जैसे देखिए यहाँ A11, तो यहाँ 1 और 1 को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा, तो आगे प्लस के चिन्ह देंगे, 1 और 2, 3, विषम संख्या आएगा तो आगे माइनस के चिन्ह, 2 और 1, 3, तो आगे माइनस के चिन्ह, 2 और 2, 4, तो प्लस के चिन्ह। याद रखना है क्या कि अगर हम माइनर निकालते हैं कोफैक्टर निकालते हैं तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस याद रखना है आप लोगों को, कि माइनर का क्या करते हैं, तो माइनर का जनरली निकाल देते हैं, रो और कॉलम को बंद करते हैं, जो एलिमेंट दिखाई देता है वो लिख देते हैं। अब कोफैक्टर में थोड़ा डिफरेंस होता है,
इसके पोजीशन के अंक को जोड़ते हैं, माने किस पोजीशन पर है, वन वन है तो वन वन को जोड़ेंगे तो टू आएगा, तो ये सम संख्या आएगा, सम आएगा तो प्लस के चिन्ह देंगे, विषम आएगा तो माइनस के चिन्ह देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, तो वन और टू तो जोड़ेंगे तो थ्री हो जाएगा इसलिए माइनस दिए, टू और वन जोड़ेंगे तो थ्री हो जाएगा इसलिए माइनस दिए, टू टू जोड़ेंगे तो सम आया इसलिए प्लस। तो याद रखिए सम आएगा तो प्लस का साइन देंगे, विषम आएगा तो माइनस के चिन्ह देंगे। चलिए अब हम देखते हैं माइनर और क्रॉप फैक्टर, अभी तुरंत देखे हैं टू बाई टू ऑर्डर का, अब हम देखते हैं कि थ्री बाई थ्री ऑर्डर का माइनर और क्रॉप फैक्टर कैसे निकलता है। जैसे एक क्वेश्चन लिया है थ्री बाई थ्री ऑर्डर का, जिसमें एलिमेंट है फर्स्ट रो में वन टू थ्री, सेकेंड रो में थ्री वन टू, थर्ड रो में टू थ्री वन, और इसका माइनर और क्रॉप फैक्टर निकालना है, इसका पोजिशन क्या होगा वन वन, तो वन वन पोजिशन होगा ए वन वन, और चूँकि हमको माइनर निकालना है तो एम लगा कर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे एम वन वन। इसका माइनर और क्रॉप फैक्टर निकालिएगा तो रो और कॉलम को बंद कीजिए, पहले माइनर निकालते हैं, ये रो बंद हो गया और ये कॉलम बंद हो गया, तो ये दिखाई दिया ना ये, तो इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा, इसको इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा एक इकाई एक और माइनस तीन दूना छः, कितना बचेगा माइनस फाइव है ना, एम वन टू इसका निकालेंगे माइनर, एम वन टू ए ए टू टू इसका नाम है, तो इसका माइनर निकालेंगे तो इसका रो कॉलम और ये रो बंद हुआ, तो ये दिखाई दिया, इसका क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो थ्री आएगा, ऐसे गुना कीजिएगा थ्री और माइनस, ऐसे गुना कीजिएगा तो फोर हो जाएगा, थ्री में से फोर घटेगा माइनस वन, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, तो इसका नाम हो जाएगा एम वन थ्री, तो एम वन थ्री का निकालिएगा तो फिर इसका रो और कॉलम बंद, तो ये रो बंद और ये कॉलम बंद, तो ये दिखाई दिया, तो ऐसे क्रॉस गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा नाइन, ऐसे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा टू, कितना आएगा सिक्स। आगे देखिए एम, अब इसका निकालना है टू वन नाम है तो ए टू वन, तो इसका कोफैक्टर कहा लगा ए एम टू वन, तो फिर इसका रो और कॉलम को, रो और कॉलम को बंद करेंगे तो ये कॉलम और ये रो बंद, तो ऐसे दिखा दिया ऐसे, तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा टू, और माइनस इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा नाइन, तो कितना बचेगा माइनस सेवन। और फिर देखिए ए टू टू इसका निकालेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एम टू टू, इसका नाम हो जाएगा एम टू टू, तो एम टू टू निकालिएगा, एम टू टू तो ऐसे बंद और कैसे बंद ऐसे बंद, तो दिखाई दिया ये, इसको गुना कीजिए ऐसे गुना कीजिएगा तो वन आएगा, माइनस ऐसे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा सिक्स आएगा, तो कितना बचेगा उनमें से सिक्स घटेगा माइनस फाइव, और एम एम टू थ्री, तो एम टू थ्री निकालिएगा तो एम टू थ्री, तो ये कहलाएगा एम टू थ्री, तो इसका कॉलम और ये रो बंद, तो ये दिखाई दिया, एक ऐसे गुना कीजिएगा तो ये थ्री आएगा और माइनस फोर, तो क्या आ जाएगा थ्री माइनस फोर, थ्री माइनस फोर कीजिएगा तो कितना आएगा माइनस वन, और उसके बाद देखिए यहाँ एम एम थ्री वन निकालेंगे तो एम थ्री वन इसका नाम, तो इसका ऐसे कॉलम ऐसे रो बंद, तो ये दिखाई दिया तो ये कितना आ जाएगा फोर और माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर माइनस थ्री, तो कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। अब देखिए एम थ्री टू निकालेंगे तो एम एम थ्री टू निकालिएगा तो एम थ्री टू इसी का नाम होगा, इसका कॉलम है ये रो वन, तो ये दिखा दिया, एक गुना कराइएगा तो टू आ माइनस तीन में तीन से गुना करेंगे तो नाइन आएगा, टू माइनस नाइन, टू माइनस नाइन कितना आ जाएगा माइनस सेवन, माइनस सेवन हो जाएगा। और एम थ्री थ्री निकालेंगे, एम थ्री थ्री यहाँ से देखिए एम थ्री थ्री ये कहा लगा तो ये वन और ये वन, तो इसको गुना कीजिएगा तो वन माइनस सिक्स, तो वन माइनस सिक्स कितना आएगा माइनस फाइव। चलिए अब हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर को ए और सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बस माइनर और कोफैक्टर में थोड़ा डिफरेंस है, कोफैक्टर में यह टेक्निक है कि अगर पोजिशन के एलिमेंट को जोड़ेंगे, अगर सम आएगा तो आगे प्लस का साइन देंगे, और माइनस आएगा तो क्या चीज़ का साइन देंगे माइनस का साइन देंगे। तो देखिए यहाँ एम वन वन यहाँ लिख दीजिए ए वन वन, इतना ही होगा माइनस फाइव, लेकिन इसको जोड़िएगा तो एक आएगा दो, सम आया तो आगे प्लस का साइन देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस फाइव ही रह जाएगा, ये निकालिएगा तो इसका नाम दीजिए ए वन टू, तो ये कितना आया माइनस वन, तो माइनस वन लिखिए, और जोड़िए इसको एक और दो, एक दो को जोड़िएगा तो तीन आएगा, बीसम आया तो माइनस के चीन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, याद रखिए सम आएगा तो प्लस के चिन्ह देंगे, बी सम आएगा तो माइनस के चिन्ह देंगे, ये लिखेंगे ए वन थ्री, तो ए वन थ्री लिखेंगे तो ये कितना है सेवन, और इसको ये कीजिए थ्री
थ्री वन और थ्री को जोड़ेंगे तो फोर आएगा, तो सम संख्या आया तो प्लस के चिन्ह यानी सेवन रह जाएगा। और ए टू वन निकालिएगा, ए टू वन तो कितना आया इधर माइनस सेवन, ए भी माइनस सेवन ही आएगा, लेकिन इसको जोड़िएगा तो टू प्लस वन तो थ्री आएगा, तो थ्री भी सम आया तो माइनस के चिन्ह देंगे तो प्लस सेवन। और एम टू टू निकालेंगे तो एम टू टू, तो एम टू टू कितना है माइनस फाइव, तो ये भी हो जाएगा ए टू टू माइनस फाइव, लेकिन जोड़िए दो और दो चार तो सम आया तो प्लस के चिन्ह देंगे तो फिर माइनस के चिन्ह रह जाएगा। और ए एम टू थ्री है तो ये भी लिख देंगे ए टू थ्री को फैक्टर, ये कितना आया है माइनस वन, तो ये माइनस वन लिखिए। अंक के जोड़िए दो और तीन पाँच, तो पाँच तो भी सम आया तो माइनस के चिन्ह देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। और एम एम थ्री वन तो यहाँ लिख देते ए थ्री वन, ये कितना आया है वन आया है। अब इसको जोड़िएगा तो एक तीन में एक जोड़ेंगे, तीन में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा फोर, इसके आगे प्लस का साइन देंगे तो ये वन ही रह जाएगा। और उसके बाद ए निकालेंगे तो ए थ्री टू लिखेंगे तो ए थ्री टू कितना होगा, तो ये माइनस सेवन है तो माइनस सेवन लिख दिए। और तीन और दो जोड़िएगा तो पाँच आएगा, तो बीसम आया तो माइनस के चिन्ह देंगे तो ये प्लस में आ गया। और उसके बाद देखिए यहाँ तो ए थ्री थ्री निकालेंगे तो ए थ्री थ्री, जब एम थ्री थ्री है माइनस फाइव तो ए भी माइनस फाइव हो जाएगा। और इसको जोड़िएगा तो आगे तीन आ तीन छः, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस फाइव। चलिए तो हम आप लोगों को कंसेप्ट देने के साथ साथ कोर्स वर्क भी रिकवर करते हैं, जो अभी हम बताए थे माइनर और कोफैक्टर, उस पर आधारित एन सी आर टी 4.4, एन सी आर टी 4.4 का ये सब क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ देखिए दो बाई दो ऑर्डर का दो क्वेश्चन है और थ्री बाई थ्री ऑर्डर का दो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का क्या निकालना है माइनर और कोफैक्टर, तो हम एक सॉल्व कर देते हैं और आप लोग आप जो छोड़ देंगे वो क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक और दो है, इसमें हम दो बना देते हैं एक का दो। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है ए सी डी डी, हमको क्या निकालना है दो चीज़ निकालना है, एक निकालना है माइनर, दूसरा क्या निकालना है इसी क्वेश्चन का कोफैक्टर। ध्यान से देखिए, तो यहाँ सोल्यूशन में लिखते हैं फॉर फॉर माइनर, अब माइनर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइनर निकालेंगे तो इसका नाम होगा ए वन वन, तो यहाँ ले दीजिए एम वन वन। जिसका माइनर निकालते हैं उसके रो और कॉलम को बंद करते हैं, तो ये कॉलम ये रो बंद, तो क्या दिखाई दिया डी। फिर इसका निकालेंगे तो इसका नाम होगा ए वन टू, तो यहाँ माइनर के रूप में एम वन टू लिखें, तो फिर इसका कॉलम और रो बंद हो जाएगा, तो क्या दिखाई दिया अभी। फिर इसका निकालेंगे तो इसका नाम होगा ए टू वन, तो इसका माइनर निकालेंगे तो ए टू वन एम टू वन, तो एम टू वन तो इसका फिर कॉलम और रो बंद होगा, तो क्या दिखाई दिया सी। फिर निकालेंगे एम टू टू माइनर, तो इसका रो और कॉलम कॉलम और रो को बंद करेंगे तो क्या दिखाई दिया ए। तो इस तरह से माइनर निकाला जाता है। फिर इसी क्वेश्चन का क्या निकालना है मुझे कोफैक्टर, तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं फॉर कोफैक्टर। जब कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर को ए और सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही सब लिख दीजिए ए वन वन इतना ही होगा, तो डी लिख देंगे लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। और ए वन आई वन दोनों को जोड़ेंगे तो टू आएगा, तो आगे प्लस के चिन्ह देंगे। ए टू टू कितना आया बी इतना ही होगा, ए भी लेकिन साइन चेंज होगा, तो इस ए वन टू ध्यान से देखिए ए वन टू, तो ए वन टू तो इसका जोड़ेंगे तो ए का दो तीन या माइनस के चिन्ह हो जाएगा। ए टू वन तो ये सी, इसको जोड़िए दो एक तीन बी सम आया तो माइनस के चिन्ह हो जाएगा। और ए टू टू, ए टू टू तो ये ए टू टू कितना दिया हुआ है ए, तो ये लिख दिए दो में दो जोड़ेंगे चार सम आया था प्लस के चिन्ह। इस तरह से माइनर को फैक्टर निकाला जाता है। चलिए अब हम देखते हैं दो का दो क्वेश्चन है एक और दो, जिसमें थ्री बाई थ्री ऑर्डर का दिया हुआ है, थ्री बाई थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इसका क्या निकालना है हमको, तो माइनर को फैक्टर निकालना है। देखिए ध्यान से एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ कितना है वन थ्री जीरो जीरो फाइव वन, और ये फोर माइनस वन टू। अब ध्यान से देखिए इसका क्या निकालना है हमें माइनर और कोफैक्टर, तो यहाँ लिख देते हैं फोर माइनर
माइनर निकालेंगे तो माइनर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम वन वन निकालिए तो एम वन वन इसको बोलेंगे, तो इसका रो और कॉलम को बंद करेंगे तो ये कॉलम है ये रो बंद, तो ये दिखाई दिया, गुना कीजिए पाँच दूनी दस, बीच में चीज माइनस के देते हैं, वन में माइनस वन से तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, तो कितना आएगा ये ले लें। फिर देखिए एम वन टू निकालेंगे, एम वन टू इसका नाम है, फिर इसका रो और कॉलम को बंद करेंगे तो यहाँ से कॉलम है ये रो बंद, तो ये दिखाई दिया, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सिक्स, इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा जीरो, और कितना आएगा सिक्स। अब एम वन वन थ्री निकालेंगे, एम वन थ्री ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री इसका निकालेंगे, तो इसका कॉलम आई ए रो वन, तो ये दिखाई दिया, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा थ्री, और माइनस इसको गुना कीजिएगा तो जीरो आएगा, तो क्या आ गया थ्री। अब इसका निकालेंगे तो इसका नाम हो गया ए टू वन, तो माइनर निकाल रहे हैं तो एम टू वन लिखेंगे, तो एम टू वन निकालेंगे तो रो और कॉलम को बंद करेंगे तो ये देखिए कॉलम और ये रो वन, तो ये दिखाई दिया, इसको क्रॉस गुना कीजिए तो क्या आएगा जीरो, और माइनस एक में चार से गुना कीजिएगा चार, तो ये कितना आ जाएगा माइनस चार। और फिर हमको क्या निकालना है एम टू टू, तो एम टू टू निकालिएगा, इसका नाम होगा तो ये इसका कॉलम है ये रो वन, तो ये दिखाई दिया, इसको गुना कीजिएगा तो एक में दो से गुना कीजिएगा तो दो आएगा, और माइनस जीरो से चार में गुना कीजिएगा तो जीरो, तो क्या आ जाएगा टू। और एम टू थ्री निकालेंगे तो एम टू थ्री इसका नाम हुआ, तो इसका फिर रो और कॉलम को बंद करेंगे तो ऐसे बंद हो गया कॉलम, ऐसे बंद हो गया, तो ये दिखाई दिया, क्रॉस गुना कीजिएगा तो एक माइनस जीरो, तो क्या आ जाएगा एक। और इसके बाद एम एम क्या निकालेंगे थ्री वन, एम थ्री वन इसका नाम हुआ था, फिर इसका रो और कॉलम को बंद करेंगे तो ये दिखाई दिया, क्रॉस गुना कीजिए तो जीरो और माइनस ट्वेंटी, जीरो माइनस ट्वेंटी तो कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी। फिर क्या निकालेंगे एम थ्री टू, रो और कॉलम को बंद करेंगे तो एम थ्री टू इसका नाम हुआ, तो ये ऐसे कॉलम बंद ऐसे रो बंद, तो क्या दिखाई दिया इतना, गुना करेंगे तो क्या आएगा वन में माइनस वन से तो माइनस वन, बीच में साइन माइनस कर देते हैं नियम है, तीन में चार से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा बारह, ट्वेल्व माइनस वन और माइनस ट्वेल्व कितना आ जाएगा माइनस थर्टीन। उसके बाद एम थ्री थ्री, फिर इसका रो और कॉलम को बंद करेंगे, रो और कॉलम को तो ध्यान से देखिएगा, एम थ्री थ्री इसका इस एलिमेंट का नाम है तो इसका कॉलम है ये रो बंद, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइव माइनस, ऐसे गुना कीजिएगा तो जीरो, क्या मिला हमें फाइव। जिस तरह से माइनर निकालते हैं उसी तरह से कोफैक्टर निकालते हैं, थोड़ा अंतर होता है उसमें, पोजीशन का अंतर होता है, अगर सम संख्या आता है तो साइन सेम रहता है, विषम संख्या आता है तो साइन चेंज कर देते हैं, अपोजिट हो जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर कोफैक्टर, फॉर कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर ए और सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए और सी से है ना, तो देखिए यहाँ लिख देंगे ए वन वन, ए वन वन, तो ए वन वन लिखेंगे तो इलेवन है तो इलेवन लिख दीजिए, इसको जोड़िए एक आया तो दो आएगा प्लस के ची, यानी इलेवन ही रह जाए। ए वन टू निकालेंगे तो देखिए सिक्स है तो सिक्स लिख देंगे, जोड़िए एक आ दो तीन, विषम आया, विषम आएगा तो माइनस के चिन्ह, सम आएगा तो प्लस के चिन्ह, विषम आएगा तो माइनस के चिन्ह, सम आएगा तो प्लस के, तो एक में दो जोड़िए या तीन, विषम आया माइनस के चिन्ह तो माइनस सिक्स। और इसके बाद ए वन थ्री निकालेंगे तो ए वन थ्री थ्री जोड़िए एक आ तीन चार हो जाएगा, तो सम आया तो प्लस के चिन्ह तो थ्री ये रह जाएगा। उसके बाद देखिए ए टू वन माइनस फोर, और इसको जोड़िएगा तो दो आए तीन, विषम आया तो माइनस के चिन्ह दीजिए तो ये प्लस फोर हो जाएगा। और देखिए ए टू टू कितना निकला है टू, तो ये टू लिख दिए, अब जोड़िए दो आ दो चार तो सम आया था प्लस के चिन्ह तो ये टू रह जाएगा। ये देखिए ए टू थ्री, तो ए टू थ्री निकालेंगे तो ध्यान से देखिए वन है तो वन लिख दिए, और इसको जोड़िए दो आ तीन पाँच जोड़ेंगे तो विषम आया तो माइनस के चिन्ह देंगे, कितना आ गया माइनस वन। उसके बाद ए थ्री वन, तो ए थ्री वन कितना निकला है माइनस ट्वेंटी, तो माइनस ट्वेंटी और जोड़ेंगे तो तीन, तीन में वन जोड़िएगा तो फोर आएगा, तो प्लस के चिन्ह सम आया है इसलिए माइनस ट्वेंटी हो गया। ए थ्री टू, ए थ्री टू तो कितना आया माइनस थर्टीन, लेकिन इसको जोड़िएगा तो कौन संख्या आएगा विषम आएगा, तीन आ दो पाँच जोड़ेंगे तो इसीलिए माइनस के चिन्ह देंगे, विषम आया तो प्लस में हो जाएगा थर्टीन। और ए थ्री थ्री कितना आ जाएगा फाइव, और इसको जोड़िएगा तीन में थ्री जोड़िएगा तो सिक्स आएगा तो प्लस के चिन्ह फाइव। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि 2/2 ऑर्डर और 3/3 ऑर्डर का माइनर कोफैक्टर निकाला जाता है। तो इस तरह से हम आपको माइनर कोफैक्टर 2/2 ऑर्डर का और 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को सिखाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा ताकि उसे हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।